जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। आजकल मैं शॉर्टकट नहीं, वैसे तो वीडियो ठीक होती है, पर जैसे आटा गूंथना। अच्छा, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि मैं बनाने जा रही हूँ पूरियाँ, और पूरियों के लिए पहले समझा देती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्यों बनाने जा रहे हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा दही डाला था, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक डाला था इस आटे में, और फिर इसको रख दिया था 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए रेस्ट पे, और उसके बाद मैंने और काम कर लिया था। फिर मैं यहाँ पे पूरियाँ लगी थी बनाने, ठीक है। तो क्या था ना, आज के ये वीडियो है कल की। हाँ, तो हमारे ना ससुर जी का श्राद्ध था, तो हमने जैसे वो नहीं किए ना, वहाँ तो हम गए नहीं, और यहाँ से होने थे नहीं, यहाँ घर की पूजा नहीं हुई है, तो फिर पितर नहीं बुला सकते, ऐसा बोलते हैं। और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि हमने भी नहीं करवाई है, लेकिन हमारे पंडित ने बोला है कि आप श्राद्ध कर सकते हैं। तो ये मुझे नहीं पता अभी इस चीज़ के बारे में, आप लोग कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को किसी को पता होगा। फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा हमारे ससुर ने बहुत कुछ किया है बेचारों ने, बहुत वो कह रही है ना। तो देखो, अपने बुजुर्गों का वैसे भी एक सम्मान होता है, पता नहीं जो हम देते हैं वो पहुंचता है कि नहीं होता है, लेकिन एक ये होती है कि नहीं, हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, उन्हें याद करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे पूरियाँ, खीर, आलू ये बना रही थी, और मैंने फिर पता क्या किया, रोटी खिलाई थी पंडित जी को, आपको दिखाऊंगी आगे, पंडित जी को भी मिलवाऊंगी, और ना उनको कुछ दान दक्षिणा भी थी बाबा के नाम से ना, बाबा मतलब हमारे ससुर जी, ठीक है। तो आज वीडियो बहुत लेट जाएगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना, हो सके तो शेयर कर देना, ठीक है। तो एक मेरी मतलब था मन में मेरे कि मैंने करना है, ठीक है। और ये वाली चूड़ियाँ ना बिल्कुल अलग सी लग रही हैं, और पक्की भी हैं सच में, पर ना थोड़ी सी ढीली लग रही है मेरे को अपने हाथों में, थोड़ी थोड़ी सी ढीली। तो ये हमारी बन गई, और पता क्या किया, मैं एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को, मैंने ना पूरी खा ली थी बाद में, खेत में गई थी मैं, इसी में ही वो वीडियो भी ऐड, पहले लगी खाने पंडित जी को देने के बाद लगी खाना खाने। अच्छा, पहले मैंने खा ली थी, उसके बाद में खाना बनाने लगी थी, फिर चूल्हे की लिपाई भी करी थी, तो फिर लास्ट में लगी थी मैं खाने, और मैंने एक ही दो पूरियाँ खा ली, और पूरा दिन जो मेरा हालात हुआ ना, मैं आपको क्या बताऊँ, हन्नी को भी ऐसा ही हुआ, इसको भी नहीं पछता था, अलावा किसी को भी नहीं पछता, पर ऐसे जब बनी हुई थी ना, वैसे मैंने बना भी थोड़ी सी रखी थी, ऐसा नहीं कि ज़्यादा बना रखी थी। ये देखो, तो बढ़िया पूरियाँ बन गई, और उसके बाद फिर और इसके बाद पंडित जी आ गए थे, और मैंने स्पीड यहाँ पे बहुत फास्ट करी है, 9 मिनट की वीडियो थी, मैंने इसको 3 मिनट का रखा है, तो 3 गुना छोटी कर दी है। तो मैंने इनको खीर दे दिए, आलू दे दिए, पूरियाँ दे दिए, बोलते हैं अच्छा ये भी सच बोलते हैं। तो ये हमारे पंडित जी के लड़के हैं, जो हमारे पंडित जी हैं ना, जो मैंने आपको दिखाए थे एक बार वीडियो में, कि वो मतलब पिछले पार्ले घर में भी दिखाती थी मैं उनको, बहुत अच्छे हैं वो, इनके ये ना उनके लड़के हैं बड़े वाले, तो इनके भी ऐसे ही विचार हैं जैसे उनके पंडित जी के, तो बहुत अच्छे शरीफ जैसे और अच्छी राय देने वाले ऐसे हैं। फिर मैं अंदर जा रही थी, मैंने कहा मैं ना अंदर से वो लेके आती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, वो अपना कपड़े, और एक मैंने वो चप्पलों की जोड़ी थी, और अभी दिखा देती हूँ आपको, अभी आप देख लेना ज़रूर। और देखिए, जो हमारा सनातन धर्म है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो सर्वोपरि है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, मानना चाहिए। वैसे मैं सभी धर्मों की इज्जत करती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, अपना अपना धर्म होता है सबका, बट हमारा सनातन धर्म में, क्योंकि हमें जो सिखाया जाता है वो हमें सीखना चाहिए, उन परंपराओं के ऊपर हमें चलना चाहिए, ठीक है। बाकी सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत का धर्म होता है, अगर आप इंसान को इंसान समझ रहे हो तो फिर वो आपका सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। मैं ये चीज़ में ज़्यादा इस चीज़ को ज़्यादा महत्व देती हूँ। तो फिर मैं अंदर चली गई थी, और मैं ये कर रही थी, वो ढूंढ रही थी, फिर मैंने नहीं पापा को अंदर से फ़ोन किया, मैंने कहा मेरे को पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसे कहाँ रखे हैं आपने, तो वो चले गए थे खेत में। तो ये देखो,
पंडित जो चले गए थे बाहर, फिर मैंने उनको बुला के किया, मैंने कहा पाओ। तो ये कपड़े और ये मैंने सिवैयाँ, आलू, मतलब सूखा सामान दे दिया था इनको, जैसे मतलब यहाँ से वो नहीं होगा, पता नहीं जो मनसते हैं ना वो नहीं हो सकता यहाँ से, ठीक है। बाकी सूखा मैंने दे दिया था बाबा के श्राद्ध वाले दिन, ठीक है। पता नहीं क्या किया, सही किया गलत किया, जो मेरा दिमाग बोलता है वो मैं कर देती हूँ, ठीक है। ये होता है मेरा सीन। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अभी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है, आप पूरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। ना ये भी नहीं है, एक दिन सोचा था मैं, बारह दे दो कुंडी इतने जाना। तो ये ना एड़ी आओ, ये में ये पैकिंग है जी, पैकिंग है ये। आ ना बोरा लगता ना खंड दी ज्यादा, बारह ते दे दो ते कुंडी। तो ये बनाए थे आलू, ये देखो ये बनी है यहाँ पे खीर, बहुत अच्छी बनी है खीर भी, मैंने फ्लैश ऑन कर दी। और ये बनी है हमारी यहाँ पे पूरियां, मैंने नहीं खाई, मेरी किस्मत में नहीं है पूरियां खाना, क्या करूं, मन बहुत करता है पर नहीं खा सकती। तो ये बनाई थी नारियल की चटनी, बस यही दिखाया, बाकी और कुछ नहीं। नारियल है और मिर्च है, अदरक है, लहसुन है और भुने हुए चने हैं, बाकी मूंगफली है भुनी हुई, बस इसको पीस लिया था, थोड़ा सा नमक डाल के डाल दिया था इसमें मैंने, और थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था, ठीक है। तो ये आप भी ज़रूर बना। अभी डाल रही हूँ मैं हनी के पापा के लिए और हनी के लिए, क्योंकि वो लोग गए हैं खेत में, ठीक है। ये तो वो खीर है और ये आलू है। खीर नहीं 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 इतने जे था लेके जुगती पकड़ी ना, और सब्जी और ले आ मैं, क्या तू है ना सब्जी, सब्जी तो ये जानी है रे, लून का है थोड़ा थोड़ा, तीन 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 पूरी ही है ना, ज्यादा ही है। क्या करूं यार, मन दुखी कर दी, कुछ मक्खन पाया तेरे ना यार दिन दे ऐ देख, ओए होए होए एड़ी रोटी वो भी खेत में, बस चीनी पूरी है इतने की, और रहते चीनी थाले और ले दो लिखे हैं। तो ये आलू वाली पूरी थी, चक और हनी के पापा जोत रहे थे ट्रैक्टर, इसका दो सीधे इतने बैठो, अच्छा बैठो, फिर लेगा से जानवर बोलने, लो ये तक ना रहा है, खुटी प्यार के बैठो, इतनी 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 हरे जूने भाई जाओ, और कुटी प्यार की बैठे थे, क्या करवा जाना तू गले, तो ये हाथ धो रहे हैं, गड़ियर सेटिंग के नीचे सिट्टा काट रहा है, तीर बार रख लो, हाँ हैं ते थे भाई रुका रहे। तो ये देखिए यहाँ पे मक्खन है और हम बना रहे हैं घी, मक्खन से बनेगा यहाँ पे घी, तो भाई घी मक्खन से ही बनता है, मैं कभी कभी ना बस ऐसे बोलती रहती हूँ हर कुछ। ये देखो ये देखो, गाय का जो घी होता है ना बिल्कुल पीला पीला सा होता है ना, ये देखो मैंने ना। तो ये देखो कितना बढ़िया घी निकल गया था इससे, और मैंने भी खा ली थी दो चम्मच, पता है रफीक भैया बोलते हैं कि घी से नहीं होता कोलेस्ट्रॉल, भाई पता नहीं किससे बोला था उन्होंने मेरे को, भैया फिर से मुझे कमेंट करना, ठीक है। और मधु राठौर माँ भी एक बोल रही थी आपको मेरी याद नहीं आती, आती है ज़रूर आती हैं। तो
तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ी सी मेथी डाल दी। मेथी से क्या होता है ना कि इसकी तवासीर भी सही हो जाती है और ये खुशबू बहुत अच्छी देता है मेथी से। ठीक है, बस काटते काटते वो ना डाल देना चाहिए। अपने घर की प्योर चीज़ तो प्योर ही होती है भाई, उसका क्या कहना है। और बस हो गया अब हमारा घी। और ये जो ऊपर इसमें ये निकल रहा है ना, ये बबल जैसे, ये थोड़ा सा ठंडे पानी का छींटा देंगे गैस बंद करने के बाद, नहीं तो सारा घी बाहर भी आ सकता है। और बस फिर मैं इसको रख दूंगी बर्तन में। और मैंने खा भी लिया थोड़ा सा घी शक्कर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि मक्की वाला वीडियो आपको शाम को मिलेगा। मक्की की कटाई शुरू हो चुकी है, ज़्यादा मक्की नहीं होगी हमारे, लेकिन जो भी होगी भाई तो बहुत खुशी की बात है, बहुत सालों बाद हो रही है। तो वो आप लोगों के साथ शाम को वीडियो में शेयर करूँगी पक्का। तो चलो मिलते हैं आपसे शाम के टाइम। और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। परमात्मा आपको सुख शांति बनाए रखे, आपके घर में आपके बच्चों को कामयाब बनाए, यही मैं भगवान से दुआ करती हूँ, यही विनती करती हूँ। गाय का घी देखो कितना पीला पीला जैसा होता है ना, भैंस का नहीं होता ऐसा। और किस किस को गाय का घी पसंद है, किस किस को भैंस का है, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय माता दी, राम राम।